लोग ज्यादा से ज्यादा आज हम लोग क्या करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे अलग अलग ढंग से हम लोग अपना सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि आलोक जी ने बहुत बार हमको अलग अलग टिप्स दिए हुए हैं, अगर हम यूट्यूब में भी जाके उनका पूरा, मैंने तो सीरीज डाला हुआ है, हर बार मैंने रिकॉर्डिंग डाला है, तो अगर उनका भी अगर सुनते हैं तो पूरा आपको एक पूरा सीरीज मिल जाएगा। और 365 रुपीज़ का भी उन्होंने जो गेटवे दिया है, जो मैंने ग्रुप्स में सेंड किया हुआ है, तो उसमें भी आप क्लिक करोगे तो 1 रुपीज़ के हिसाब से आपको पूरे साल तक आपको बहुत सारे अलग अलग जरिए से टिप्स मिलते जाएंगे। उसके बारे में आलोक जी फिर से शायद थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी उसमें एंट्री कर चुका हूँ। और ये ट्रांजेक्शन्स आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर आपका जो इमेज है कंप्यूटर्स में, आप इमेज अच्छा करते हो, इतना मेहनत करके आप अलग अलग ये ढंग से करोगे, लेकिन आप अगर सिक्योर्ड हैं तो आप आगे आगे जाके बहुत आगे आपका प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को ये ज़रूरी है कि अपनी साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान ले, और जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो इसमें करियर करना चाहते हैं तो ज़रूर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं सिक्योरिटी के, तो वहाँ पर आप कोर्सेस शुरू करके, हमारे एक पहचान के एक व्यक्ति है जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स वगैरह किया है, और अभी वो मेरे ख्याल से अमेरिका में, वो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट हुए, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। लेकिन लेकिन आम आदमी को भी बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, तो 365 रुपीज़ दे के आप सीख सकते हैं। फिर अलग अलग कोर्सेस है, आप सिक्योरिटी के वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। इट इज़ वेरी प्रोफेशनल, और ज़रूर आप इसका फायदा लेंगे। अच्छा, तो जब तक आलोक जी आ रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा फिटनेस टिप्स दे दूँ आलोक जी। आलोक जी आप है यहाँ पर? बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल, प्लीज गो ऑन। जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो मैं थोड़ा फिटनेस टिप्स देना चाहता हूँ। एक तो हम कहते हैं कि अपना फिटनेस अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? आपको सीखना चाहिए फिटनेस, क्योंकि फिटनेस जो है नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि आपका फिटनेस अच्छा है, यानी मतलब क्या है कि आप पूरे दिन में बहुत फ्रेश है एंड यू आर डूइंग मेनी थिंग्स, आपको नींद अच्छी आ रही है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उत्साह है बहुत सारा, ठीक है। कई कई बार क्या होता है कि पूरा दिन में कुछ काम करते हैं, फिर शाम को घर में आते हैं तो शाम को समझो किसी का कुछ फैमिली वालों का मूड है कि थोड़ा सा हमको कुछ एंटरटेन करना है, या फिर टीवी देखना है, या फिर कुछ एक साथ कुछ इवेंट कार्यक्रम करना है, तो हम लोग बोलते नहीं अभी हम बहुत थक गए, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो एक सिंपल वे में हम फिटनेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी एनर्जेटिक, एथलेटिक, अपना पूरा फिजिकल ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए 5 इम्पोर्टेंट घटक हैं, 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। तो अभी मैं शेयर स्क्रीन भी करना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ शेयर स्क्रीन करके मैं आपको वो लिख के बताऊँ, तो दैट विल बी बेटर। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, हम टेक्निकल बात करते हैं, कि जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, ठीक है। तो आपके फिटनेस में ये ज़रूरी है कि आपको आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कार्डियो, ठीक है। तो कार्डियो के जो एक्सरसाइज है वो आपको सीखने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि अगर हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको 10-15 मिनट चलना है, या फिर 8 किलोमीटर चलना है, या फिर घर में बहुत कुछ काम करना है, तो क्या होता है कि थकान महसूस होती है, ठीक है। तो थकान महसूस होने के कारण क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं अभी रहने दो, बाद में हम देखते हैं वगैरह वगैरह हम बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा कार्डियो अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात मुझे याद आ रही है कि अभी कई लोगों को कोविड के दौर से वो गुजर चुके हैं, अभी घर में है, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण उनका कार्डियो वास्कुलर एंड्योरेंस जो कम होते जा रहा है।
तो उनको समझ में आएगा। अभी जो सुन रहे जिनको कोविड हो चुका है और वो पोस्ट कोविड में, उनको उनको समझ में आ जाएगा और बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। तो उनके लिए भी कार्डियो का जो एंड्योरेंस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जो वो एक्सरसाइज का आपके आपके जो एक्सरसाइज में उसका पार्ट होना चाहिए, देन यू विल बी फिट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि किसी किसी को बहुत सारी ताकत होती है, मसल्स में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो काम करने करने जाते हैं, ताकत तो बहुत है लेकिन उठाने की क्षमता बहुत है, पंच करने की क्षमता है, पुश करने की क्षमता है, लेकिन हाफ हाफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्डियो कम होता है। तो कार्डियो वास्कुलर एंड्योरेंस ये बहुत जरूरी है, तो आपको ये सीख लेना है प्रोफेशनल। अभी हम भी सिखाते हैं। कल मैं एक सोच रहा हूँ कि 4 बजे का एक लेक्चर रखूँ, तो 4 बजे का लेक्चर सभी के लिए है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा फिटनेस के बारे में, तो आप सभी लोग उसमें इनवाइट है। सेकेंड जो है कार्डियो वैस्कुलर एंड कार्डियो मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्डियो मस्कुलर एंड्योरेंस। इसका मतलब क्या है कि कार्डियो अच्छा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, कार्डियो मस्कुलर एंड्योरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि उसका कार्डियो अच्छा है, वो चल सकता है, वो हाँफता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है कि वो बीच में उसके पाँव दुखने लगते हैं, ठीक है, या फिर हाथ दुखने लगता है, या फिर कमर दुखने लगती है, या फिर पीठ दुखने लगता है, ठीक है, सर्टन पीरियड। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली कई कई लोग कपालभाति करते हैं योगा में, और योगा में कपालभाति करते हैं तो उनकी पीठ दुखती है। क्यों? क्योंकि उनका मसल्स काम नहीं कर रहा है। कार्डियो काम कर रहा है लेकिन मसल्स काम नहीं कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियो जो मैंने फर्स्ट बताया उसके साथ आपका मसल्स भी वर्क करना चाहिए, उसकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए। तो ये जो टेक्निकल भाषा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कल आप लेक्चर पे आएंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे, प्रैक्टिकली भी हम लोग करेंगे। तो कार्डियो वैस्कुलर इंड्योरेंस और कार्डियो मस्कुलर इंड्योरेंस, तो उसके कई अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं कि जिसके जिसके साथ में कार्डियो करते करते हम कई शरीर के पार्ट को मूवमेंट करते हैं, तो उससे आपकी क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्सरसाइज में ये दोनों पार्ट होने चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कोई भी चाहत है तो एक्सरसाइज का कुछ भी एक जन बोलता है कि भाई योगा करो, कपालभाति करो, तो बस वो कपालभाति और अनुलोम विलोम करते बैठता है, लेकिन उसका मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कपालभाति से आपका कार्डियो अच्छा होगा, अलग अलग फायदे होंगे, नेचुरली होंगे, लेकिन बात व्हाट अबाउट द कार्डियो मस्कुलर एंड्योरेंस। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ। स्केलेटन स्ट्रेंथ यानी क्या कि आपका जो ताकत, ठीक है, जो भी आपका वजन वगैरह उठाने की जो ताकत है, पुल और पुश करने की ताकत है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेट है तो वेट को ऐसे उठाने की क्षमता या फिर सहने की क्षमता वगैरह वगैरह, तो ये अपने स्केलेटन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमको दिन 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 में हम लोग को किस कुछ भी समझो उठाना है या पुश करना है तो उतनी हमको ताकत होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बाकी सब कार्डियो होता है, मस्कुलर एंड मसल्स भी अच्छे होते हैं, कार्डियो के साथ जो मसल्स चलते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर ताकत की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लोग उसको ये नहीं करेंगे। समझो एक बाल्टी उठाना है तो बोलते नहीं बाल्टी नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारा उतना वो ताकत नहीं है, या फिर 10 किलो उठाना है तो हम लोग 10 किलो नहीं उठा सकते। तो इट इज नेसेसरी कि आपको ऐसे कई एक्सरसाइज उसके साथ करनी चाहिए, इसलिए सीखना पड़ेगा आपको ये सब एंड्योरेंस। अगर आप वीक में इसको एक्सरसाइज करेंगे देन यू विल बी वेरी फिट, ठीक है, आप बहुत उत्साहित रहेंगे। तो ये मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ के कई एक्सरसाइज हैं जो आपके एक्सरसाइज के स्केड्यूल में होने जरूरी है। ठीक है, मैं एक सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल आप जैसे जैसे करोगे वैसे समझ में आएगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो बाकी की सभी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर अगर आप में ताकत है, कार्डियो भी अच्छा है आपका, ठीक है, कार्डियो के साथ जो मसल्स होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चलते हुए पाव के मसल्स वगैरह वो सब मजबूत है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि बाल्टी उठा रहे तो उठा तो सकते हैं क्योंकि ताकत तो है, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण वो बॉडी स्टिफ हो जाती है, और स्टिफ होने के कारण
वहाँ पर इंजरी हो जाती है और फिर वो कमर दुखने लगता है वगैरह वगैरह, बाकी के सब जो प्रॉब्लम सब हो जाते हैं। ठीक है, अभी अभी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ओल्ड एज को ही होते हैं, अभी तो यंग लोगों को भी होते हैं। और अभी के कोरोना के पीरियड में तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं कि लोगों को कंटिन्यूस कंप्यूटर पे रहना पड़ता है, मोबाइल पे रहना पड़ता है, तो बहुत सारा जो पार्ट्स है वो स्टिफ हो जाता है। ओके, तो उसके लिए कई एक्सरसाइज है जिसके कारण आपके फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, तो आपको वो करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपके स्केड्यूल में हम लोग ये भी आपको एडजस्ट करके देते हैं जिसके कारण आपके ये जो 5 घटक है, लास्ट घटक भी है मैं बताऊंगा, तो ये मजबूत हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन यानी आपका फैट, फॉर एग्जांपल फैट रेशियो, आपके शरीर में 20% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लेडीज है तो 15% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर्बी नहीं होनी चाहिए, तो ये सब है। वाटर वाटर इंटेक बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं बॉडी कंपोजिशन की, BMR अच्छा होना चाहिए, तो ये सब बातें हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके एक्सरसाइज में भी ये जरूरी है और आपको कंटिन्यूस नॉलेज मिलना जरूरी है। तो ये सब अगर आपको प्रॉपरली कोर्स मिल जाता है तो आप अच्छे तरीके से आप अपना फिटनेस रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को मैंने कोशिश की, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सीख के हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है या कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता है या कराया नहीं जाता है। अभी मैंने देखा है कि कई कई स्कूलों में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी अभी वो लिखा हुआ है। तो हालांकि कल ही मैं 10th के अभी नए सिलेबस दिख रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपरली नॉलेज लेना जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी लोग कल इन्वाइट में करता हूँ, कल शाम को 4 बजे आप आ सकते हैं और इसके बारे में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो ये आप जरूर लिख लीजिए और इसको आप विचार कीजिए और कहीं पर भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फॉर इंडिया के भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, उसके साथ हमने ये भी इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वर्ल्ड फॉर इंडिया के आप कोर्सेस कर सकते हैं, फिटनेस कोर्सेस कर सकते हैं, कल आप और भी डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं ये स्क्रीनशॉट हटा देता हूँ। ओके, आलोक जी नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू संतोष जी, अगेन आपको आपने बहुत अच्छी फिटनेस की टिप्स दी आज। और फिटनेस की हम किसको जरूरत नहीं है, चाहे वो एक छोटा सा आदमी हो, नौकरी करने वाला आदमी हो, डेली वेजर हो, या फिर क्यों एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। डे टू डे लाइफ में हर एक इंसान को एक फिटनेस रिक्वायर्ड है, चाहे वो हम फिजिकल फिटनेस कहें या चाहे वो डिजिटल फिटनेस कहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर कि जो जिम भी करते होंगे या जो फिटनेस में इतना ज्यादा एक्टिव भी होंगे, उनको भी इस तरह की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इन सारी जानकारियों को एक्वायर करने के लिए, इन सारी जानकारियों को अडाप्ट करने के लिए एक्सरसाइज के अलावा थोड़ी बहुत रिसर्च और थोड़ी बहुत नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है, राइट? सो थैंक यू फॉर दैट। एंड जैसे हम सब जुड़ते हैं हर हफ्ते, हर संडे को थोड़ा टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से फिटनेस, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो अगेन वेलकम एवरीवन। एंड आई एम आलोक त्रिपाठी, एज यू माइट बी नोइंग। एंड बिफोर आई स्टार्ट द एक्टिविटी और डिस्कशन अबाउट साइबर सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स, आई वुड लाइक टू शेयर अचीवमेंट विद ऑल ऑफ यू दैट आवर कंपनी सिक्योरिटी has been honored and awarded as the top 20 most trusted cyber security companies in India on June 8th, 2021 by Global News. Okay, so that is an achievement that security has got it. And the reason why we could actually achieve it, because it's not because we are doing something great in cyber security or
इट्स नॉट बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें ये अवार्ड या हमें ये ऑनर इसलिए मिला है क्योंकि हम बाकी जितने भी और पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उस कॉम्पिटिशन के या उस अवार्ड में, सिक्योरिटी सिर्फ पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एजुकेशन डोमेन में है। बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें वो सारे के सारे कंसल्टिंग में है, सर्विसेज में है, सॉल्यूशंस में है, साइबर सिक्योरिटी के और अदर डिफरेंट विंग्स में है, बट जहां तक एजुकेशन की बात है सिक्योरिटी वॉज दी ओनली कंपनी इन टू साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एजुकेशन सेक्टर में होते हुए भी हमें इस तरह के रिकॉग्निशन या इस तरह के ऑनर्स मिल रहे हैं। ओके, हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये भी ट्रस्ट दिला सके, जैसे हमने लास्ट वीक सुना कि हमारे ग्रुप में किसी के साथ 10,000 रुपीज का कुछ काम को लेके कुछ इश्यूज हुए थे। सो बिल्डिंग अ नेम, बिल्डिंग अ ट्रस्ट, बिल्डिंग अ ब्रांड इज नॉट अ स्मॉल एक्सरसाइज। जब भी आप किसी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस कंपनी ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले होते हैं उस ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में, बहुत सारे पैसे डाले होते हैं एक ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में, और बहुत सारी टाइम और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक कंपनी आपके साथ फ्रॉड करे उसके लिए फ्रॉड की अमाउंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल फ्रॉड, है ना। एक आदमी अगर फ्रॉड करने की कोशिश करे तो 5,000, 10,000, 15,000 में कर सकता है, बट एक कंपनी अगर फ्रॉड करने की कोशिश करती है दैट हैज टू बीन मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स और मल्टीपल ऑफ लैक्स, राइट। सो व्हेनेवर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, व्हेनेवर वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर, स्पेसिफिकली इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वी हैव टू बी 100 टाइम्स श्योर दैट जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट विद द पीपल और एंटिटी हु वी रिकॉग्नाइज। ओके, जब हम बात करते हैं कि किसी रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी की, तो या तो इंडिविजुअल हो, आप उसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लीजिए या सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिविजुअल रजिस्टर करता है, चाहे इंडिया मार्ट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं है अगर कंपनी है तो आप गूगल कर लीजिए उसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, क्या कंपनी है, क्या स्ट्रेंथ है, वेबसाइट है कि नहीं है, लोकेशन क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसके पहले कि आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनिशिएट करिए। सो आप मोस्ट ऑफ अस, मतलब अब तो कोविड के टाइम पे साइबर फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं कि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँ तो अभी दो हफ्ते पहले की न्यूज है कि यूएस में देर आर 5 लाख जॉब ओपनिंग्स फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ओके, 5 लाख के आसपास की रिक्वायरमेंट है यूएस के अंदर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, पूरे वर्ल्ड में 3.4 मिलियन, मतलब 34 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 लाख तो सिर्फ इंडिया को चाहिए, 5 लाख यूएस को चाहिए, मतलब 35 लाख में से 15 लाख तो ऐसे ही निकल गया, राइट। बाकी पूरी कंट्रीज, बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज है उनको मिला लें तो 21 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है अक्रॉस द ग्लोब। प्रॉब्लम यह है कि लोग नहीं है, सबके सब या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या सबके सब या तो डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, मोस्ट ऑफ लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता वो सेल्स और मार्केटिंग में चले जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं, राइट। पॉइंट इज कि लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, जो काम कर रहे हैं जो वर्किंग सेगमेंट है उसको पता नहीं कि ठीक है हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग है, लेकिन इस एथिकल हैकिंग के द्वारा एक बहुत अच्छा, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट सा एक करियर प्रोफाइल भी बनाया जा सकता है। ओके, इस जानकारी के अभाव में होता यह कि लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड को ज्वाइन नहीं करते। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी आईटी की सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी है, जहां पे एक नॉर्मल प्रोग्रामर या एक डेटा साइंस एनालिटिक्स को 10,000 से 15,000 की नौकरी लगती है स्टार्ट में। साइबर सिक्योरिटी इज द ओनली फील्ड विच प्रोवाइड्स यू 3.0 लाख से 3.6 लाख पर एनम एज अ सैलरी, मतलब आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 25 से 30 हजार के बीच में होती है। और ऐसी बहुत सारी, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल कॉमन फ्रेशर्स के लिए। ओके, तो जहां पे नॉर्मल कॉमन फ्रेशर्स को 10 से 15-20 हजार की नौकरी मिलती है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन जब आपने कुछ भी नहीं किया है तब आपको 25 से 30 हजार की नौकरी देता है। बट वही अगेन घुमा के स्टोरी वही आ जाती है कि बच्चों को पता नहीं है, बच्चे जानना नहीं चाहते, और जिनको पता है वो जब कोर्स करने जाते हैं तो कोर्स की फीस होती 70,000-80,000 रुपए। साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन में दो बड़ी कंपनियां हैं, एक सीईएच है जो इसी काउंसिल की है, एक सर्टिफिकेशन है सीईए सर्टिफाइड एथिकल हैकर, वो आता है इसी काउंसिल का,
दूसरा ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, वो आता है दैट सर्टिफिकेशन बिलोंग्स टू कंपनी कॉल्ड ऑफेंसिव सिक्योरिटी, वो सर्टिफिकेशन कॉस्ट करता है $1,000 स्टार्ट करता है उसमें, ठीक है। अब एक नॉर्मल कन्वेंशनल फैमिली के लिए 60 से 70 हजार रुपए का सर्टिफिकेशन कराना, वो भी सर्टिफिकेशन 5 दिन का सर्टिफिकेशन मतलब 5 दिन का कोर्स है, फिजिबल नहीं लगता, राइट। और कोर्स करने के बाद क्या, अगर हम 70,000 डाल भी दे तो कोर्स करने के बाद क्या, ऐसी कोई फैसिलिटी या सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं देते कि आपने 70,000 रुपए का कोर्स करा है, 5 दिन का कोर्स करा है, उसके बाद आपको 1 साल का असिस्टेंस मिलेगा, या हम जॉब लगा के देंगे, या हम आपको इंटरव्यूज में बिठा के देंगे, कुछ नहीं। आप फीस भरिए, आप 5 दिन का कोर्स करिए, उसके बाद आप जाए अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते। सो इस तरह की चीजें इंडिया में काम नहीं करती। इस तरह की चीजें आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं सबके बाहर बोर्ड मिलेगा आपको 100% जॉब गारंटी स्टार, राइट। वो स्टार बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कभी भी किसी इंसान को नौकरी नहीं लगवा सकता, उनकी रीच कॉर्पोरेट सेक्टर तक नहीं है। वो माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जाके नहीं बोल सकते कि मैं अंधेरी में बैठा हुआ एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हूँ, मेरे पास ये 2 बच्चों ने कोर्स किया, आप इनको जॉब लगा दीजिए, राइट। दे कैन नॉट डू इट। ऑन द कॉन्ट्ररी, दीज कंपनीज हु कैन एक्चुअली डू इट, दे आर नॉट डूइंग इट। सो इसीलिए हमने साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन जो चालू किया, उसमें हमने कोर्स एक तो 36,500 का रखा, ठीक है। दूसरा, हम 1 साल के असिस्टेंट देते हैं। तीसरा, हम पहला वर्ल्ड का एक सर्टिफिकेशन कंपनी है जो हर एक बच्चे को 3 महीने की इंटर्नशिप और 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं अगर बच्चा 80% के ऊपर मार्क्स ले आता है। तो कहने का मतलब यह है कि देर आर अपॉर्चुनिटीज, वहां पे डिमांड है मार्केट में, लोग चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को, लेकिन इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी के में इस फील्ड में जाने के लिए लोग नहीं आ रहे, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या है, दूसरी अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई पहले का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि आपको आपने बीटेक किया हो, या आपने एमटेक किया हो, या आपने कोई एक्स वाई जेड फील्ड में काम किया हो, नहीं। एनीबडी एंड एवरीबडी इन ऑफ एनी एज, आप 50 साल के हैं तो भी ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड आपको एब्जॉर्ब कर लेता है। That's the beauty of this specific field. ठीक है। So actually हम last time discuss कर रहे थे, I think there was some gentleman, I'm not sure आज उन्होंने join किया है कि नहीं, about multi-level marketing and all those stuff. क्योंकि COVID एक ऐसा duration रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग financially, बहुत सारे organizations financially impact हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक alternate source of income generate करें, या मतलब अभी भी business कर रहे हैं but वो बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आ जाए जहाँ पे अपना काम करते करते एक साइड बाय साइड थोड़ी सी इनकम जनरेट कर ली जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, देयर आर लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव कंपनीज हु आर देयर, लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लोग इजिली जुड़ जाते हैं विदाउट डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि उनसे ही कोई जुड़ा हुआ दूर का कोई रिश्तेदार या दूर का कोई फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि नो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, आप एसोसिएट हो जाइए, एंड देन वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट सेलिंग दिस प्रोडक्ट और प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट इन योर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट द रीजन व्हाई एमएलएम हैज ऑलवेज फेल इन इंडिया एक्सेप्ट वेरी फ्यू कंपनीज हु हैव गॉट सक्सेसफुल, लेट मी टेल यू दिस एग्जांपल। पतंजलि, इफ दे वांटेड टू स्टार्ट एमएलएम, पतंजलि के लिए एमएलएम स्टार्ट करना बहुत आसान होता क्योंकि इट्स अ देसी कंपनी, नंबर वन। नंबर टू इज पतंजलि इज ट्रस्टेड और योगा इज ट्रस्टेड बाय मोस्ट और मे बी थाउजेंड्स, नॉट लैक्स बट करोड़ ऑफ पीपल इन द कंट्री, राइट। करोड़ों लोग हैं जो योगा करते हैं, करोड़ों लोग हैं जो बाबा रामदेव को जानते हैं, करेक्ट। अगर वो एमएलएम स्टार्ट करते तो आई थिंक पतंजलि वुड हैव टेकन और टेकन द शूट अप राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, करेक्ट। लेकिन उन्होंने एमएलएम की ये नहीं की, उन्होंने अपने नॉर्मल रिटेल स्टोर्स ओपन किए, एक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन जैसे होता है, चाहे कोई भी रिटेल या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मूव आउट करते हैं वैसे उन्होंने अपने रिटेल स्टोर्स ओपन करके नॉर्मली किया। क्योंकि एमएलएम में एक अच्छी बात यह है कि आपका प्रोडक्ट बहुत तेजी से फैलता है, प्रमोट होता है, लेकिन दूसरी सबसे बुरी बात यह है कि जिस तरह से वो फैलता है उसी स्पीड में वो खत्म भी हो जाता है। आई कैन गिव इट हंड्रेड्स ऑफ नेम्स। One of the biggest name was Amway. I'm not sure whether you heard of this now. Amway is a company from US. Okay, they have entered. They are doing multi-level marketing across the globe. पूरी दुनिया में कर रहे हैं, पूरे विश्व में कर रहे हैं। Amway की आपको कहीं भी stores दिखाई नहीं देंगे. Okay, Amway जो brand है, it only runs on multi-level marketing. But I mean, most some of the countries still have it. But most of the things happens through promotions and references. ठीक है।
Now the problem is, they came to India, when they wanted to do it, they failed. Okay. One company which I could still remember is Forever. Forever, अभी इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो MLM पे ही चल रही है, पर MLM पे अच्छा कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने अपने Amazon और Flipkart पे सेलिंग भी स्टार्ट कर रखी, तो that might be option की Forever जो है वो सस्टेन कर पा रहा है. So MLM से बहुत परेशान हो लोगों होने के बाद लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि हमें एक alternate solution चाहिए, क्योंकि ये चीज अच्छी है, concept अच्छा है, but trustworthy नहीं है और long sighted नहीं है. So IT और technology vertical में we came about affiliate marketing. What affiliate marketing is? MLM की तरह इसमें 10 या 15 level नहीं होते. Affiliate marketing में it's a individual to individual call. जैसे security का है. Our training is of 36,500 rupees. कोई भी individual, कोई भी आदमी अगर ये समझता है कि उसके पास students हैं, आपको obviously इस website पे इस courses के सारे details मिल जाएंगे. हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा एजुकेट इनेबल एम्प्लॉय मॉडल क्या है, हम बच्चों को जॉब कैसे गारंटी कर पा रहे हैं या उनको जॉब कैसे दिला सकेंगे, इस तरह की सारी जो डिटेल्स चाहिए होती है वो वेबसाइट पे ऑलरेडी है. उसके बाद अगर किसी को लगता है कि नहीं, उनके पास स्टूडेंट्स है और उन्हें वो हमें स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सो हमारा अफिलियट रजिस्टर कर लीजिए आप. जब भी आप एक बच्चा रजिस्टर करेंगे, ओके, सो कंपनी गिव्स यू 10%. So, अगर हम जीएसटी हटा के बात करें तो द कोर्स इज ऑफ 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए का कोर्स है प्लस जीएसटी. जब भी आप एक बच्चा रजिस्टर कराएंगे, वी गिव यू 3,000 रुपीज. ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अफिलिएट मार्केटिंग. अब मल्टीलेवल मार्केटिंग में क्या होता है, मैंने संतोष जी को कहा, संतोष जी ने अमिता जी को कहा, अमिता जी ने एक्स वाई जेड को कहा, एक्स वाई जेड ने एबीसी को कहा, एबीसी ने 123 को कहा, 123 ने 9810 को कहा, और जो एक्चुअल बच्चा आया वो आया एमआरक्यू से. ठीक है, तो जब वो एमआरक्यू से जो बंदा आया, वो पहले 987 पे जाएगा, फिर 123 पे आएगा, फिर वो एक्स वाई जेड पे आएगा, फिर एबीसी पे आएगा, फिर संतोष जी पे आएगा, अमिता जी पे आएगा, फिर संतोष जी पे आएगा, फिर वो कंपनी तक आएगा. इसमें अगर एक भी चेन ब्रेक होती है या एक भी आदमी अनट्रस्टवर्दी निकलता है, सो इट्स नॉट जस्ट लॉस्ट द कंपनी, it is also lost to the end user who has actually brought the students, right? So multi-level marketing mein aur affiliate marketing mein ye sabse bada difference hai. Yahan pe multi-levels nahi hote, model same hota hai hamesha, you bring or you do a sale or you bring a customer and then you take a commission, right? But yahan pe it is direct, affiliate mein it is direct, it doesn't happen through multiple channels or all. So it is very trustworthy because you are any which way is connected to the company, number one. Number two is there is a very good tracking system. So we have our own CRM, जो हम आपको देते हैं, जहाँ पे आपको clearly पता चलेगा आपने चार बच्चे दिए थे, वो चारों में से register किसने किया, और register करने के बाद आपका actually में intake क्या आता है, और intake आएगा तो कब आएगा, और intake की status क्या है, has it been processed, आपके account में transfer कर दिया गया है, underway है, आपके account में आ चुका है, सारी चीजें. So it's a very transparent system which is actually created for affiliate marketing. ठीक है, so जैसे हमने कहा कि आज का जो session था वो primarily requested था कि we talk about bit about our security and we talk bit about affiliate marketing and multi-level marketing and aspects. So I thought of putting this slide. And again जैसे संतोष जी ने कहा कि सभी को इस फील्ड में आके नौकरी करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका नौकरी अच्छी चल रही है या उनके व्यवसाय अच्छे चल रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल. बट कभी कभी क्या होता है कि हम सारे के सारे लोग जो है वो टेक्नोलॉजी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं. हमें अपनी लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, मतलब जब हम जूम पे ये कॉल चल रही है तो हम जूम यूज कर रहे हैं. जूम इज अ टेक्नोलॉजी, जूम ऐप इज अ टेक्नोलॉजी. हम मोबाइल लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल करके या कैमरा इस्तेमाल करके इस सेशन को ले रहे हैं, दैट्स अ टेक्नोलॉजी. हम गूगल पे, फोन पे जैसे या बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे एप्स को इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स आल्सो टेक्नोलॉजी, राइट? तो जब भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम किसी भी ऐप, किसी भी डिवाइस का यूज करते हैं, तो उसको सिक्योरली और सेफली यूज करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? हम मोबाइल जब हमारा हैक होगा तो हम सैमसंग को जाके नहीं बोलेंगे कि ये आपकी कंपनी का मोबाइल था और मेरा डेटा चोरी हो गया. नो, Samsung was a manufacturer. They manufacture a device. They give in a device, and us device ko safely use karna, it is our responsibility.
कल को आपका फेसबुक अकाउंट हैक होता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी होती है, कोई आपके नाम से किसी और को धोखा देता है, वो सारे की सारी प्रॉब्लम वो आपकी है, वो किसी भी कंपनी, वो ऐप बनाने वाले की, वो आपके फोन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम नहीं है वो. सो लर्निंग हाउ टू सेफली यूज अ टेक्नोलॉजी और गैजेट और एसेट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कल को पेटीएम फ्रॉड होता है, कल को गूगल पे फ्रॉड होता है, तो गूगल पे या पेटीएम वो फ्रॉड नहीं करते, फॉर दैट मैटर नन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज डू इट. वो फ्रॉड होता है हमारी और आपकी व्हाट इज इट, नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस को कहते हैं नजरअंदाजी. हम जब किसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं उसकी वजह से वो फ्रॉड होता है. तो इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न साइबर सिक्योरिटी एंड एट द सेम टाइम हर एक आदमी 36,500 भर के सीख नहीं सकता. सो in the best interest of country, nation and individual, we have started a program called as cyber security or security at rupees 1, wherein we only charge 365 rupees per individual per year. So that is 1 rupee per day. Okay, and wo 1 rupee mein kya hota hai, hum aapki check karte hain. Isi ke sath hum ye batate hain ki is incident ko bypass ya resolve kaise kiya ja sakta tha. Jaise for example agar आधार कार्ड लीक हो रहा है, राइट, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन आती है, लेट्स एग्जांपल की एक न्यूज आई जो ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म से इतने आधार कार्ड यूजर्स का डेटा हैक हुआ. सो हम आपको ये बताएंगे कि आपने क्या करना चाहिए था या आप अब क्या करिए ताकि आगे चल के आपके साथ इस तरह का इशू ना हो. सो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू सेफली यूज और एक्सेस द एप्लीकेशंस, आपका मोबाइल फोन कैसे सिक्योरली एक्सेस करें, आपके मेल कैसे सिक्योरली एक्सेस करें, एक लिंक ओपन करने से क्या होता है, ओटीपी शेयर करने से क्या होता है, इस तरह की सारी नॉलेज आपको दी जाती है सिर्फ 1 रुपए पर डे पे. ओके, सो आई एम नॉट अ वेरी गुड सेल्समैन और मेरा काम भी नहीं है कि आई डू अ सेल्स, बट देन आई थिंक दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि हम अपने साथ साथ अपने आस पास, जिसे कहा जाता है ना ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने परिवार, अपने कुनबे, अपने समाज और अपने देश के बारे में भी सोचते हैं, करेक्ट. सो इट इज ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो, सबकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, सबको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए कि एटलीस्ट वो अपने आप को, अपने लव्ड वंस को और अपने समाज को प्रोटेक्ट कर सके. दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एट रुपीज 1. More of the details, more of the information is already available on the website. Whoever thinks, they can actually reach out to Santosh ji. You can actually go on to security website for more information and register for them. So, thank you. I think the session was a bit extended, but then the information was required to be shared. Thank you so much for joining us. Thank you very much. बहुत बढ़िया आपने information दी हुई है. और सभी लोगों से अपील है कि आप लोग सभी लोग सिक्योरिटी से जुड़े रहें. और उन्होंने जो चांस दिया हुआ है 365 वन रुपीस पर डे, तो उसका उसके लिए मैं ग्रुप में भी सेंड करूंगा, तो आप ज़रूर उसमें एनरोल करें, ठीक है. और कल शाम को 4:30 बजे 4:30 आप सभी फिटनेस के एक प्रेजेंटेशन के लिए भी आ सकते हैं. प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन होगा, लेडीज स्पेशल जनरली, क्योंकि उनको ज़्यादा समय मिलता है वहाँ पर, तो वो भी आ सकते हैं, ज़्यादा करके लेडीज आ सकते हैं. और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.